जी सत श्री अकाल। मास्टर कैडर केमिस्ट्री दे विच जिहड़े तैयारी कर रहे ने उन्हां लई इक चैप्टर है ए स्टेट्स ऑफ मैटर। इहदे बारे आपां डिटेल च गल कर लैने आ इस वीडियो दे विच। ते जिहड़े इंपोर्टेंट लगभग सारा ही चैप्टर जिहड़ा है बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर दा, गैशियस स्टेट ते थोड़ा लिक्विड स्टेट दा पार्ट है। इहनू मैं क्विकली गो थ्रू हो जाना। जिदा कि आप जानते हैं मैटर कोई भी चीज़ है जिहड़ी कि स्पेस ते मास ऑक्यूपाई करती है। इनू मैं बहुत बेसिक ही डिस्कशन रखांगा, कोई ज़्यादा इनू आप मास्टर लैवल ते नहीं करना है फिलहाल। अच्छा जी, ते तीन टाइप दिया स्टेट्स ऑफ मैटर आप कॉमनली स्टडी करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैशियस। इन्हां दी जिहड़ी फॉर्मेशन है इस ते डिपेंड करती है कि आपसी मॉलिक्यूल्स दी जां उन्हां दे कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स की जिहड़ी आपसी इंटरैक्शन है किस तरह की। अगर इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली बाउंड है दोनों सारे एटम आपस दे विच तां वो सॉलिड बिहेव करते हैं, जे थोड़ी इंटरैक्शनस घटदियां ने वो इंटरैक्शनस की भी आप गल करांगे, जो इंटरैक्शनस डिक्रीज कर दियां ने फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन तां वो लिक्विड की तरह बिहेव करता। सिमिलरली जे होर भी ज़्यादा निगलिजिबल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन होंगी है पार्टिकल्स तो गैशियस की तरह बिहेव करते हैं। इस तो बाद यह है कि जो इंटरैक्टिंग फोर्सेस ने बेसिकली वह की ने, इंटरैक्टिंग फोर्सेस जो मॉलीक्यूल्स के विच ने, मॉलीक्यूल जो खुद बनता है तो वह कोवलेंटली बन सकता, बट इंटरमोलीकुलर जी फोर्सेस होंगे ने वह जनरली लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होंगे ने, वीक फोर्सेस इंटरमोलीकुलर फोर्सेस। वॉन्डरवाल फोर्सेस भी आप कोलैक्टिवली कह दें जिड़िया कि कुछ हद तक लंडन फोर्सेस दे विच ही आ जाती ने जो आप वीक फोर्स की गल करते हैं। तो थर्मल एनर्जी की है, यही एनवायरमेंटल एनर्जी है जिड़ी कि पार्टिकल्स न एक मोशन दे विच लेके जाती है। जिस तरह आप हीट करते हैं किसी भी सिस्टम नूं तो पार्टिकल्स दियां जिहड़ियां वाइब्रेशनस ने प्लस जिहड़ियां उन्हां दियां ट्रांसलेशनल मोशनस ने, मतलब एक जगह तो दूजी जगह जाना, वो सारियां दे विच इनक्रीज हुंदा है। ते जदों पार्टिकल्स दी मोशन च वधदी है थर्मल एनर्जी करके तां इंटरैक्टिंग जिहड़ियां फोर्सेस ने वो घट जांदियां ने। जिस तरह बहुत ही फास्ट कोई दो पार्टिकल एक दूसरे दे कोलों लंघणगे तां उन्हां च आपसी इंटरैक्शन दा जिहड़ा स्कोप आ उह घट जाएगा। जदों ही इंटरैक्शनस घट जांदियां ने तां ओबियसली जिहड़ा मैटर है वो अपनी स्टेट भी चेंज कर सकदा, ठीक है जी। तो इस तरह जिहड़ी गैशियस स्टेट दे विच सब तो घट इंटरैक्शनस होंदियां ने, ठीक है। जिस तरह कुछ पॉइंट्स आप इत्थे भी लिखे हुए, कुछ मैं सारे पॉइंट्स नूं नहीं डिक्टेट करांगा, तुसीं इन्हां नूं नोट डाउन कर सकदे हो। हुण जो लॉज ऑफ गैसिस लॉज ने उह च सब तो पहला आ जांदा अपने कोल बॉयल्स लॉ, ठीक है जी। ये कहना कि एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर जिहड़ा वॉल्यूम है प्रैशर दे इनवर्सली होगा, जिन्ना वॉल्यूम आपां घटावांगे उन्ना प्रैशर वधूगा, ठीक है जी। जिन्ना आपां वॉल्यूम वधावांगे उन्ना पार्टिकल्स का प्रैशर घटूगा। हाँ इन्हां दा हमेशा जिहड़ा प्रोडक्ट कॉन्सटेंट रहिंदा है डिफरेंट स्टेट्स का, ठीक है जी। ये आइडियल बिहेवियर दे लई है, अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है उहदी गल भी आपां करांगे। सो यही एक स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ्स ने, तुसीं इह ग्राफ्स नूं प्रॉपरली देख लेना है, ठीक है जी। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस है कि माउंटेन्स ते जिहड़ा एनवायरमेंट चेंज हो जांदा, ओके। और हियर इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, सिंपल प्रेशर एंड वॉल्यूम दी आपां नूं कंडीशनस प्रोवाइडेड ने, ठीक है। तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन नाल ही हो जाएगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम्स इतों तुम कॉपी कर सकते हो। चार्ल्स लॉ की है, चार्ल्स लॉ है कि एट कॉन्सटेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एट कॉन्सटेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यदि मैथमेटिकली इस तरह आप इनू ट्रीटमेंट में ले सकते हैं, ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हुण इत्थों दरअसल चार्ल्स लॉ तो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ 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 ਅਗਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੋਲਿਊਮ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਐਕਸਟ੍ਰਾਪੋਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਪੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਉਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਲਵਿਨ ਕਹਿਤਾ, -273 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਐਵੋਗਾਡਰੋਸ ਲਾਅ, ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਵੋਗਾਡਰੋ ਲਾਅ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੋਗਾਡਰੋਸ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਗੈਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੈਸ 'ਚ ਵੀ ਉਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਕੰਟੇਨਸ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਆਰ ਟੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮ ਬਾਈ ਵੀ ਨੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰੀਏ। ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੋਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਨਰਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਕੁਏਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਚ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਟਨਸ ਲਾਅ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਗੈਸ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਡਰਾਈ ਗੈਸ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈ ਗੈਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਪਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕੁਸ ਐਕੁਸ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਸਟ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਹਿਮਸ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਸ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
है, डेंसिटी नू मास बाय देर इज ए न्यूमेरिकल के अमोनिया ते CO2 दे विचों केड़ी ज्यादा फास्टली डिफ्यूज करेगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया है। ठीक है जी, ते रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट थोनू ऑलरेडी पता ही है ना, था तो इजीली सी कर सकते हो। सो अदर है कि इतों हौली हौली जिस तरह गैशेज लॉज होंगे गए, डेवलप होंगे गए, तो आप कैनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर गैस थ्योरी डेवलप हो गई। ठीक है, जिसे कुछ पॉइंट्स ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पार्टिकल होंगे जिहड़ियां इंटरैक्शंस ने वो निगलिजिबल होंदिया ने। ठीक है जी, बाकी ये गैशेज लॉज नूं फॉलो करते रहे, इन्होंने एक बार गो थ्रू तुसीं हो लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो डेवलप हुई वो तो बाद इहदी जो इक्वेशन बनती है पोस्टुलेट्स से वो ये है 1/3 mn u स्क्वायर, इत्थे मास है। ठीक है जी, वेलोसिटी है, तो ये गैस थ्योरी की इक्वेशन है। ये विचों अगे जेडे होर डेफिनेशंस ने, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की होंगी, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वेयर एक्सेट्रा, ये सारे नोट डाउन कर लेने। बॉयल्स लॉ ते चार्ल्स लॉ इस बेसिक गैस इक्वेशन तो डिराइव किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हालांकि थोड़ा थ्रेटिकल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो डिफरेंटली बन सकते हैं, बट इन गो थ्रू तुसी हो लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगे आ जाता कि रियल गैस की होंगी है, आइडियल गैस की तो असी गल की है। आइडियल गैस च बेसिकली की होंगे कि जी इंटरैक्शनस ने निगलिजिबल होनी चाहिए ने आपस के पार्टिकल्स दियाँ, तो जो वॉल्यूम है किसी भी स्पीशीज का मॉलिक्यूल का वह अपना वॉल्यूम आप नहीं मानते हैं आइडियल गैस। ठीक है जी, जबकि रियल गैस के रियल कंडीशन अपना वॉल्यूम जरूर होंगे है किसी भी गैस का, तो इंटरैक्शन भी जीरो नहीं होंगे, कुछ मिनिमम इंटरैक्शन हमेशा होंगे रहेंगे ने, जिदे करके ये PV इज इक्वल टू nRT के दो फैक्टर्स जोड़े आ जाते हैं, ये सैल्फ एक्सप्लेनेटरी थोड़ा जा इतों होएगा, इन्हों की डेरीवेशन भी आप करा। एवरेज कैनेटिक एनर्जी एंड टेंपरेचर की रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3/2 kT, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ये उत्ते न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हो, आ सकते हैं, इवन के हायर क्लासेस के विच भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अदर फैक्टर्स लाइक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, तुसी जेड इतों कैलकुलेट कर सकते हो फॉर रियल गैस। ठीक है जी, इन्हें तुसी ये कदों ग्रेटर देन 1 होएगा, माइनस लेस देन 1 कदों होएगा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। बॉयल्स टेंपरेचर दी एक अपनी डेफिनेशन है, इवन कि जोड़े थोड़े स्टेट के एग्जाम्स होंगे ने उन्हें लिए सारा चैप्टर एज इट इज तुसी कर सकते हो कंप्लीट चैप्टर। तो डेरिवेशंस हैं इतने अपने को इस इक्वेशन दी, वंडरवाल इक्वेशन कह दिते जाता है इन, बिकॉज ये गैसेस दी इंटरैक्शन तो ही आपको पता लग्या भी इतने कुछ वीक इंटरैक्शनस होंदिया ने, उतों ही वंडरवाल ने अगे डराइव किया, जरा काफ़ी काफ़ी कम है जरा वंडरवाल आप देखते हैं, जिंदी एप्लीकेशन आप केमिस्ट्री देखते हैं। फरदर सिग्निफिकेंस की है, ए एंड बी कॉन्सटेंट्स जोड़े इतने लगाए हुए हैं, ए एंड बी ये किमें डिवेलप हुए हैं, लिए है ये बेसिक है कि इंटरैक्शनस का पैरामीटर लिया है, इनकलूड किया है। ठीक है, बी किस तरह लिया है, 4 × V, तो ये अजम्पशंस जीडिया ने उन्होंने तो यह डिराइव होया, इन्हों के यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं डेरीवेशन च नहीं जा रहा हाले ज़्यादा, मैं क्योंकि ये सैल्फ एक्सप्लेनेटरी, तुसी इसनू एक बारी कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो, उन्होंने आप डिटेल कर लवेंगे। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर से रियल गैस का की बिहेवियर होंगे है, देखो इन समझ लेंगे, थोड़ा जहा हाई टेंपरेचर करा तो उ गल हो जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा पार्टिकल्स का,
एक दूसरे के नाल इंटरैक्शन घट करेंगे, जी थोड़ी बहुत इंटरैक्शन हो रही है वो भी घटेगी, तो वो आइडियल गैस बन जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर से भी एवं होएगा, लो प्रेशर से पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के नेड़े नहीं होंगे, उस कंडीशन च भी उन्होंने जी आपसी इंटरैक्शन है वो घटती जाएगी, तो जोड़ा रिलेटिव वॉल्यूम है वह भी ओवरऑल वॉल्यूम दे रिलेटिव वॉल्यूम भी उन्होंने घटता जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल दूर होंगे इन इन लो प्रेशर, देन ऑब्वियसली वो लार्ज वॉल्यूम पूरी गैस जो है एक लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो वह अपना जोड़ा रिलेटिव वॉल्यूम है बहुत घट जाएगा, तो यह सारिया कंडीशनस के नाल ही आइडियल दे वालू चले जाएगी इन्होंने दोनों कंडीशन। ठीक है, हुण ऑब्वियसली लिक्विफाई कदों हो सकती है गैस, जे गैस च इंटरैक्शन वधे, गैस के पार्टिकल्स च इंटरैक्शन वधदी 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 जाए तो वह लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, इनू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जे कूल करिए ऑब्वियसली नेड़े आउणगे पार्टिकल, जे नेड़े आउणगे तो इंटरैक्ट करनगे, इंटरैक्ट करनगे तो वह लिक्विफाई हो जाएंगे। क्रिटिकल टैंपरेचर एक पर्टिकुलर टैंपरेचर है, ठीक है जी, उस टेंपरेचर तो थले गैस में लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, उस टेंपरेचर ते या वो तो ऊपर उस गैस में आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर है 50 डिग्री, या आप 50 या 51 52 डिग्री रखिए, तो उस टेंपरेचर ते इन्नी कु एनर्जी पार्टिकल्स च होएगी कि वह कदे भी लिक्विड होने जिनी इंटरैक्शन दे विच नहीं आ सकते। ये पॉइंट्स ने जोड़े इंपॉर्टेंट ने, बड़ा इंपॉर्टेंस की है क्रिटिकल टेंपरेचर दा, ठीक है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है गया ने, तुसी एक बार देख लियो। सो इतों लिक्विड स्टेट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप हम लिक्विफिकेशन की गल की है। ठीक है, इनू मैं अगली वीडियो दे विच और डिटेल च रख लाँगा, बट एनी हाउ तुसी इन्हां नू पढ़ सकते हो नोट्स नू, ठीक है, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस करके मैं इन कर रहे हैं स्किप, तुसी ये भाई नोट्स ले लियो। दैट सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है लिक्विड का, क्यों होंगी है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने जेडे वो यूनिफॉर्मली इंटरैक्टेड नहीं होंगे चारे पास्यों, जो बल्क दे विच यूनिफॉर्म इंटरैक्शन है सरफेस नहीं होंगी, तो ओवरऑल जेड़ा पार्टिकल है इत्थे इहदी जिहड़ियां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने वो नीचे वाल होणगियां, लिक्विड लिक्विड से ज़्यादा इंट्रैक्शन होएगी गैस नालों, ता करके नीचे वाल होएगा वैक्टर, जिहड़ा इहनू कैमिकल पोटेंशियल भी कह दिंदे आ। ठीक है जी, ये नीचे वाल नू होएगा इहदा वैक्टर, तो उस करके सरफस टेंशन होंदी है, घट्टो घट्ट मोलीक्यूल रहना चाहुंदे आ सरफस ते, राइट, वाई, क्योंकि उत्थे एक एक्सटरनल फोर्स लग रही है, इस करके इस सरफेस के उत्ते जो मॉलिक्यूल्स ने वो घट्टो घट रहना चाहते हैं, उस करके जी यदि शेप है वह सफेरिकल हो जाती है, कि सफीयर का सरफेस टेंशन सफीयर की मिनिमम होती है, राइट, सो इस करके जड़िया है ने जा तो कोहेसिव या अडहेसिव दे करके दो तरह हो सकती ने, वाटर के लिए इस तरह की कर्व बनती है, मरकरी के लिए इस तरह की बनती है, बट बनती है सफेरिकली है। ठीक है जी, इतने आप किया हुआ मैनशन के मरकरी जी कर्व है डिफरेंट क्यों बनती है, यही चीज एडहेसिव फोर्सेस की गल है। ठीक है, यही चीज मरकरी नू स्पेशल बनाती है, उन्होंने फिर बैरोमीटर दे विच यूज किया गया सी, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ने। ठीक है जी, देखो ये बैरोमीटर बारे है, ओके, मैनोमीटर डिफरेंट है, ठीक है जी, गैस का प्रेशर मैयर करने के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये एवोगैड्रोस लॉ की है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है इन्हों का, एक यूनिट्स जोड़े ने 24.22.4 लीटर पर मोल, ये न्यूमेरिकल च बहुत यूज कर किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह इनू सारे चैप्टर में तुसी रिवाइज कर लो, इस तरह के होर नोट्स जोड़े है मैं थोड़े तो नाल शेयर कर देवगा,
ਜਨਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਬਾਏ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਗਾਈਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।